वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? झकास हैं, मजे में हैं, और वेलकम है आपको फिर से मेरे इस चैनल में, ग्लोबल क्लासेस में। क्योंकि हम लोग आज सीखने वाले हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है सेट। सेट है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला चैप्टर है 11th क्लास के बच्चों के लिए, पहला कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी से कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए और देखिए कि आज आपको क्या सीखने को मिलता है। मैं बता देता हूँ, विद इन 20 मिनट बने रहो मेरे साथ। 20 मिनट में आपका सेट दिमाग में सेट हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, ये मेरा वादा। तो सबसे पहले तो सेट होता है क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज सेट? सेट इसको समुच्चय बोलते हैं, हिंदी में से बोला जाता है, हिंदी मीडियम वाले प्ले में लिख देता हूँ, समुच्चय। ठीक है, दिस इज द कॉल सेट, ये सेट है। सेट होता क्या है आपके दिमाग में आता होगा। सेट तो सेट कहने का मतलब कपड़ा सेट, कपड़ा सेट होता है ना, चूड़ी का सेट होता है, बुक सेट होता है, पेन का सेट होता है, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम सेट कह सकते हैं। हमारे नॉर्मल्स अगर घर की बात की जाए तो घर में बहुत सारी चीज़ जो कि है सेट में आपको देखने को मिलेंगे। ये लोड्स ऑफ थिंग्स जो कि है सेट में डिफाइन होता है। अगर इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसको हम सेट कहते हैं, सेट समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हुआ कि इसका हिंदी क्या होता है। एक कलेक्शन मतलब समूह, समूह समझते हैं ना, वेल डिफाइंड, अच्छी तरीके से डिफाइन किए हुए वस्तुओं के समूह को ही कह सकते हैं सेट है। अच्छी तरीके से डिफाइन किए हुए वस्तुओं के समूह को हम सेट कहते हैं। तो अगर हिंदी में आप हैं तो आपको हिंदी भी बेटर है, आप हिंदी में भी सीख सकते हैं, इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, दोनों का डेफिनेशन सेम होता है। ठीक है, अब हम सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कह सकते हैं ए बराबर अगर सेट है तो मान लो कि ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो ये आपका सेट है। ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे कह सकते हैं ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक है? मोर देन 3 एंड लेस देन 5। तो आपने देखा कि एक आपके सामने मैंने एक सेट का एग्जांपल दिया। तो बहुत सारे सेट के एग्जांपल हो सकते हैं। आप कहोगे क्या सिर्फ नंबर ही होता है? नहीं, ए बी सी डी, ए भी एक सेट है अल्फाबेट का, जो कि आपको ई से कम है। ठीक है, प्राइम नंबर का हो सकता है, इवन नंबर का हो सकता है, ऑड नंबर का हो सकता है, बहुत तरह के सेट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, ये तो हुआ। तो जरा गौर कीजिए कि मैं अलग अलग सेट को अलग अलग नंबर से डिफाइन कर रहा हूँ, अलग अलग नंबर से डिनोट्स कर रहा हूँ। तो आप डिनोट्स करने के लिए किसी भी ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन था, मैं इसे हटा देता हूँ सेट का। ओके, आप सेट को किस चीज़ से हम डिनोट्स करेंगे, सिंबल क्या है सेट के लिए? तो आप इंग्लिश में अल्फाबेट जो कि है ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट, एक्स है, वाई है, जेड है, आप किसी भी चीज़ से सेट को डिफाइन कर सकते हैं, यानी नोटेट कर सकते हैं। दूसरा दूसरा मेन थीम ये है कि आप जो देख रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है। इसी से सेट के एलिमेंट को इसमें रखा जाता है। मान लीजिए कि आपका पी है तो आपको एक कर्ली ब्रैकेट में पैकेट होगा। तो मान लो कि इसमें सेट है 1 2 3 4 5, ये सेट है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? तो आप कह सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में सेट को रखा जाता है। ठीक है, जनरली अभी तक डिफाइन कर्ली ब्रैकेट से ही आता है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में आसानी से सेट को डिफाइन किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये तो हुआ सेट को लिखने का और डिफाइन करने का फंडामेंटल। अब हम देखोगे कि सेट के, अच्छा एक चीज़ और बहुत सारा यूनिक बात है इसमें जो कि करनी है अभी हमें, कि मान लो कि अगर ये सेट है तो इसके अंदर जो आपको जो कुछ चीज दिख रहे हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट। इट्स एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, और ये कितने नंबर हैं उनको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5, ये तो 5 है। तो एन इजिकल एन ब्रैकेट पी इजिकल टू 5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पी इज इक्वल टू 5।
तो अंदर में जो सेट है उसको आप एलिमेंट कहेंगे या तत्व कहेंगे हिंदी में, इसको तत्व कह सकते हैं, है ना। और कार्डिनल नंबर वो वाला तत्व नहीं है जो आप समझ रहे हैं, है ना। कार्डिनल नंबर इसका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी तक आपने देखा कि सेट क्या होता है, सेट के अंदर क्या होते हैं, सेट कितने तरह के हो सकते हैं, वो इसके बाद पढ़ेंगे। पहले तो सेट का हम नोटेशन पढ़ते हैं कि सेट को कितने तरीके से नोटेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो सेट में आपको समझनी है, वो देख लेते हैं, ठीक है। एक सिंबल आता है जो सेट के लिए बहुत मायने रखता है, उस सिंबल को आपको जानना बहुत जरूरी है। उस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एपिसिलोन, एपिसिलोन, ये एपिसिलोन है, और इसे सेट में बिलोंग्स टू के नाम से जाना जाता है। बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है कि उससे वो बिलोंग्स करता है, ठीक है। अगर ये कट जाएगा तो लिखेगा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स नहीं करता है। तो आपने दो चीज देखा, एक बिलोंग्स टू, दूसरा नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया सिंबल से, ठीक है। अब हम देखते हैं एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, हाउ कैन सेट बी रिप्रेजेंट, ठीक है। कितने तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन में समझते हो, लिखना, कि सेट को कैसे लिख सकते हैं, नोटेट कर सकते हैं, सेट को कैसे निरूपण किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो देख लो, अभी सेट में आपको काम देगा कुछ जरूरी चीजें, तो तीन रिप्रेजेंटेशन से एक कॉन्सेप्ट और है, उसको सीख लो, आपको काम देगा, ठीक है। सेट ही पढ़े हो तो सेट कितने तरह सेट हो सकते हैं, कह सकते हो कि ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑल होल नंबर एक ए सेट हो सकता है, ए सेट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर, इंटीजर्स को दो भाग हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। और देखो कितने सारी चीजें, ए सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है। और कुछ है जो जिसको डिफाइन करने, रेशनल हो गया, इंटीजर हो गया, और एक और है आपको रियल नंबर, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इसका भी होता है। तो देख लेते हैं, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट्स करते हैं, यही तो खासियत है ना जो कि आपको जानना है, और इसको डब्ल्यू से डिनोट्स करते हैं होल नंबर को। अच्छा, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट्स करते हैं, तो पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड हो सकता है, एक पॉजिटिव जेड एक नेगेटिव जेड। अच्छा, रेशनल नंबर को हम आर से डिनोट्स करते हैं या क्यू से, क्यू भी ले सकते हैं, क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव हो सकता है। रियल नंबर है, रेशनल है, अच्छा रियल नंबर को हम आर से डिनोट्स करते हैं तो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव होगा, अगर दोनों तरीके का रेशनल नंबर होगा तो। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको साइड में बता दिया। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम ध्यान से देखते हैं, तो सेट को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर पहला आपको होगा, जो होगा आपको स्टेटमेंट, पहले तो आपको स्टेटमेंट ही नज़र आएगा, स्टेटमेंट के बाद आपको दिया जाएगा टेबलर फॉर्म, और या रोस्टर भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको सेट बिल्डर बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो आपने देखा कि स्टेटमेंट क्या होता है, टेबलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर। अब तीनों को आराम से देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। हम एक ही सेट का एग्जाम्पल तीनों में हम आपको दिखा देते हैं। तो आपके पास जो कि है एग्जाम्पल है, मान लिया जाए कि मेरे पास है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है और 12 है, बड़ा प्यारा है, 12 है तो बड़ा प्यारा है, ए सेट ही मान लो। अब इसी सेट को हम, अच्छा ये तो हुआ टेबलेट फॉर्म में क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में है नहीं, तो हम इसको अगर स्टेटमेंट में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं। अ मल्टीपल ऑफ,
मल्टीपल ऑफ टू, टू मल्टीपल ए सेट ऑफ मल्टीपल टू ना, ए सेट हो जाएगा, ए सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ टू लेस देन 14, ठीक है, ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ टू, टू लेस देन 14, तो इसका सेट बनेगा दो से गुना होने वाले सारे, जो 14 से छोटा हो, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, चलो, और ये हो गया आपका जो कि है क्लियर है, ठीक है, तो टेबलेट फॉर्म हो गया। अब हमें सेट बिल्डर में लिखना है, जो कि किस तरीके से लिखेंगे वो यहाँ आपको नजर आएगा। तो सेट बिल्डर लिखने के लिए एक सजनेट एक्स लिखा जाता है, ठीक है, सेट ए बराबर ही है, बराबर में 2n है, ठीक है, और n जो है कैपिटल, बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल n से, और जो कि है 2 से 2 के बराबर है n, और आपको 12 से के बराबर 12 से छोटा है। अच्छा, n का वैल्यू जो है कितना होगा, 1, 2, 3, 4, तो एक ले सकते हैं, 1 से बड़ा है, और सॉरी 6 से के बराबर 6 से छोटा है, तो 1, 2 लिए हैं, n का मान 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, सही है, अभी बिल्कुल सही हो गया, एकदम बिल्कुल डिफाइंड डाटा है। तो आपने देखा कि तीन तरह का फॉर्म है, स्टेटमेंट, टेबलोड एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, अब तीनों को डीपली समझने का कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट से टेबलर में, टेबलर से सेट बिल्डर में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ना कि स्टेटमेंट होता क्या, कैसे लिखा जाता है, तो हम इस सारे थ्योरीज को मैं मिटा दूंगा और सीखूंगा कि कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट से टेबलर में, ओके। चलिए, इतना सारा क्लियर हो गया, इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, भली भांति। चलो, अब हम जल्दी से सीखते हैं कि कैसे बदला जाए, हाउ कैन कन्वर्ट, ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से टेबलर में बदलने का हम विधि बता रहे हैं कि किस तरीके से आप टेबलर में बदल पाओगे, स्टेटमेंट से टेबलर में, ठीक है। अब हमारे पास है ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 12, चलिए तो स्टेटमेंट में हुआ, अब हम इसको टेबलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 12 के कुल कितने फैक्टर हैं वो आप करली ब्रैकेट मारो और दे दो। तो पहला 1 हो सकता है, 2 से भी कटेगा 12, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा, तो ये हो गया आपका सेट ए, टेबलेट फॉर्म, सिंपल, कितना इजी है ना, अरे बहुत हलवा है, हलवा आराम से बना सकते हैं। तो दूसरा है आपको सेट ऑफ फैक्टर हो गया, और भी कर सकते हैं, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी सारे प्राइम नंबर बताइए, ठीक है। तो बी बराबर मान लेते हैं, तो पहला तो 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7 के बाद तो कोई है नहीं जो प्राइम नंबर है, तो सेट क्लियर हो गया आपका। तो आपने देखा कि स्टेटमेंट से टेबलर में कैसे बदला जाता है, आपको आराम से आ गया, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम टेबलर से स्टेटमेंट क्लियर हो गया, टेबलर से फिर रोस्टर में कैसे बदलेंगे, जो भी अभी मैंने बदला, तो टेबलर फॉर्म से रोस्टर नहीं सर, टेबुलर फॉर्म से, ये रोस्टर तो इसी को हम बोलते हैं सर, सॉरी, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर में बदलना सीखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना, ये बहुत यूनिक फॉर्म है, इसलिए इसको आपको समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि इस वाले फंडामेंटल को क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लेस देन, लेस देन है, ठीक है, और ए क्या है, तो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ए क्या है, तो अगर किसी इसके सामने अगर लगे तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, और ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, समझ गए। अगर मान लो यहाँ 5 है तो 5 लेस देन हो जाएगा, यहाँ 5 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है वो हम अर्थ समझते हैं, एग्जांपल में समझेंगे, हम उसी समय आपको एग्जांपल में बताएंगे किसका अर्थ, उस समय आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा, कहीं पर दिखेगा, ठीक है।
तो जल्दी से हम इसको हटा देते हैं, हम देखते हैं कि कैसे बदला जा सकता है, हाउ कैन बी चेंज टू टेबल टू रोस्टर। तो टेबल एक देते हैं हम आपको, टेबल आपको बड़ा प्यारा है, 2 4 6 है, 8 10 है, जो कि इस तरह का टेबल आपको दिया गया है और आपको कहा है कि इसको सेट बिल्डर में चेंज कीजिए, यानी इस फॉर्म में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि है क्या, व्हाट इज दिस। तो ये तो दो फॉर्मेशन हो सकता है, एक इवन नंबर है ये भी हो सकता है, और एक आपको जो कि है दो का मल्टीपल है, दो का ये क्या है मल्टीपल है। तो दो विधि से निकाल सकते हैं, आप इवन मान लोगे तो भी डिफाइन हो जाएगा और मल्टीपल निकालोगे तो भी डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इवन वाला देख लेते हैं, कैसे इवन वाला होगा। अच्छा इसको क्या कहते हैं वो हम बता देते हैं, इसको बोलते हैं सच डेट। ये काम देगा क्योंकि सेट बिल्डर में लिखा जाता है, ठीक है, इसी नोटेशन को। तो ये सच डेट है, ठीक है। अब मान लो कि सेट ए है, इसका मान ए है, तो यही यहाँ भी लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक सच डेट एक्स, अच्छा एक्स क्या है, तो टोटल ए एलिमेंट्स है सच डेट एक्स। अब एक्स के बराबर क्या लिखो, ठीक है, या तो बराबर लिखो या तो इज लिखो, इज इवन नंबर, क्या लिखोगे, इवन नंबर लेस देन कितना है, लेस देन 12, 12 से छोटा, सारे इवन नंबर है। ए भी इससे भी नहीं काट कोई सकता है, ए भी आपका सेट ए बिल्डर है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर मुझे ऐसे नहीं बनानी, मुझे ऐसे बनानी है, बराबर 2n मान लेता है, ठीक है। एक्स बराबर क्या है, 2n, ए 2n इसलिए है क्योंकि जरा ध्यान से देखो कि 2 × 1 करेंगे, 2 × 2 करेंगे, 2 × 3 करेंगे, 2 × 4 करेंगे, 2 × 5 करेंगे, तो हमारा डिफाइंड हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। अब इसको हम मान लें n इज इक्वल टू, ठीक है, n, तो यहाँ 2 × n ही तो है ना, 2 × n ही है तो ना, तो दो, अब n का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 5 तक है, तो ये छोटा वाला n जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, और ख़ास बात है कि 1 से 1 बड़ा है, 1 के बराबर भी है। यहाँ देखिए इसका मतलब 1 यूज में आया है, ये बराबर का मतलब हुआ, और 1 से बड़ा भी लेना है x का मान, n का मान, और 5 यूज में आया है और 5 से छोटा सभी है, यही यूज हुआ जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। तो ये हुआ थोड़ा सा और एडवांस जो कि आप लिख सकते हैं, मार्क्स ज़्यादा मिलेगा अगर ऐसे कीजिएगा तो। पी बराबर मान लेते कि हमारे पास है 1 के स्क्वायर यानी कि 1, और इसका मतलब 4 है 9 है 16 है 25 है और 36 है। ज़रा प्यार से देखो कि कह क्या रहा है, तो पहले नंबर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि नंबर को ऑब्जर्व करोगे तभी ज्ञान होगा, बिना नंबर को ऑब्जर्व किए हुए ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि किसी का ये स्क्वायर है, क्या है ये, किसी का स्क्वायर है, यही तो मेन ज्ञान है ना, कि मैथमेटिक्स अगर सीखनी है तो आपको उस लेवल का होना चाहिए। 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर क्या है 9 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। इससे पता चल रहा है कि जो ये जो है ना फॉर्मेशन में वो एन स्क्वायर है, और एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, एन आराम से डिफाइन कर सकते हैं, यही आपका फंक्शन होगा। अब हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, तो लिखेंगे इस सेट के लिए p इज इक्वल टू x सच डेट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यहीं पर जो लिखना है आप लिख दो यहीं पर n स्क्वायर, और n जो कि है वो कैपिटल इंटीजर से डिफाइन कर रहा है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा है। पहले तैयार कर लो फॉर्मेट और पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके आप बोलो कि किस वाला पार्ट्स में दिक्कत हुआ, कैसे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सेट बिल्डर में हैं जो कि आपको परेशान करेगा, बस आप नंबर को निचोड़ करना सीख जाओ कि किस तरीके से किया जाता है। हम एक बार और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि होता क्या। सबसे पहले तो जो नंबर दिया रहेगा उसको निचोड़ दो, निचोड़ोगे कैसे, तो एक स्क्वायर है देखने में लग रहा है, तो पता करो कि 1 2 3 4 निचोड़ नंबर में रेगुलर लिया हुआ है, तो एन स्क्वायर करने पर नंबर आ रहा है, तो डेट मीन्स करने का मतलब है अब हम इसको एन मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है वो इससे सीख जाइएगा, 1 से बड़ा 6 से छोटा है, क्लियर हो गया। बस उसी चीज़ को पुट अप करना है कि एक सच डेट एक्स होता है बराबर एक्स स्क्वायर होता है, एक सच डेट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर, एन है एन स्क्वायर है, वे आर एन कैपिटल टू कैपिटल एन से और 1 से बड़ा 6 से छोटा। तो ये जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कि सेट था आपने पढ़ा, आपको मजा आया तो कमेंट कीजिए, है ना।
और जल्दी से मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके ही फायदा होगा, क्योंकि ऐसा सा बहुत सारी वीडियोज आपको आने वाले हैं, है ना। लोग बोलता है सब्सक्राइब करो, ये करो, करो। मैं नहीं कहता हूँ, मैं बोला हूँ कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप मेरे से जुड़िए, जुड़िएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आपको, ए लोड्स ऑफ थिंग्स मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लास्ट तक।